Hello dear students, I hope all are you doing very well. So in continuation with the first video related to the numerical problem of the capacitors in the series and the parallel combination, we are discussing here about the second numerical problem related to the series and the parallel combinations. तो ऐसा नहीं है कि आपको सर्किट ही मेंशन हो, आपको स्टेटमेंट्स की फॉर्म में भी गिवन हो सकता है. तो इस टाइप को आप कैसे सॉल्व करोगे ये आप देखिए. आपके पास गिवन प्रॉब्लम है, थ्री कैपेसिटर्स, ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 नैनो फेरेड, मींस हर एक की कैपेसिटेंस 9 नैनो फेरेड गिवन है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? फर्स्ट पार्ट तो इजी है कि टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है. तो मेरे पास थ्री कैपेसिटर्स है, मैंने मान लिया C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3, लेट इट बी इक्वल टू C, और वो वैल्यू कितनी है हर एक की? 9 नैनो फेरेड. अगर 9 नैनो फेरेड है तो टोटल कैसे कैलकुलेट करूंगा? 1 अपॉन सी एस, 1 अपॉन सी वन, प्लस 1 अपॉन सी टू, प्लस 1 अपॉन सी थ्री. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, 1 अपॉन 9, 1 अपॉन 9, प्लस 1 अपॉन 9. तो आपके पास कितना आ जाएगा? 3 बाय 9 इक्वल टू 1 अपॉन 3. तो सी एस कितना आ जाएगा आपके पास? 3 नैनो में है तो मैं यहां पे लिख लूंगा नैनो फेरेड. तो ये आपके पास टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी. अब आपने क्या कैलकुलेट करना है? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू द 120 वोल्ट. टोटल वोल्टेज आपको गिवन है और आपने पोटेंशियल हर एक के क्रॉस बताना है कि कितना होगा. अब देखिए, एक मैं छोटा आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं कि आप इसको कैसे कर सकते हो. मैंने यहां पर थ्री कैपेसिटर्स लिए एंड These are connected to a 120 volt. हर एक की वैल्यू 9, 9, 9. अब आपको पता है अगर कैपेसिटेंस इज सेम है, बिकॉज पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है? सेम. सीरीज में क्या होता है? डिफरेंट. अब अगर ये कैपेसिटेंस सेम है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इक्वली डिवाइड हो जाएगा. तो अगर मुझे इसे थ्री पार्ट्स में डिवाइड करना है तो कैसे करूंगा? 120/3 इक्वल टू 40 वोल्ट. तो मींस यहां पे आपके पास हर एक के क्रॉस कितना आ जाएगा? 40 वोल्ट आ जाएगा. क्लियर? ये तो हो गया एक शॉर्टकट ट्रिक. अब हम इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं बाय द कैलकुलेशन. आपके पास टोटल कैपेसिटेंस आपको पता है, टोटल वोल्टेज है 120, और सीरीज में जो पैरामीटर सेम रहता है वो निकालो क्या होगा. तो क्यू इक्वल टू क्या होता है? सीवी. तो C टोटल कितना आया था? 3. तो मैंने 3 नैनो पुट कर लिया और V मेरे पास कितना है? 120 टोटल. तो कितना आ गया? 36 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 9 कूलम. ये मेरे पास टोटल चार्ज आ गया. अब ये जो टोटल चार्ज आया, इससे आप टोटल पोटेंशियल पता कर सकते हो कितना. पोटेंशियल कैसे? चार्ज आ गए, चार्ज सीरीज में क्या रहता है? सेम. मतलब इसके क्रॉस भी यही वैल्यू रहेगी, इसके क्रॉस भी यही वैल्यू रहेगी, इसके क्रॉस भी सही वैल्यू रहेगी. तो हमने करना क्या, आप क्या करेंगे, जैसे मैं पता करता हूं पोटेंशियल अक्रॉस C1, तो आपके पास होगा क्या? कैलकुलेट करना है V इक्वल टू क्या होगा? क्यू बाय सी. अब Q कितना आया था? माइनस 9, और है यहां पे कितना? 9 नैनो फेरेड. ये तो कैंसल आउट हो गए. ये कितना आया? 40 वोल्ट. तो आपने देखा आंसर सेम आया, हमारे पास 40 वोल्ट ही आया है, बट यहां पे आपको इतनी लेंथी कैलकुलेशन करनी पड़ी और यहां पे डायरेक्ट आंसर आ गया. तो आप ये देख सकते हो कि अगर कैपेसिटेंस सेम है तो हम कर सकते हैं, बट अगर डिफरेंट है देन देयर इज प्रॉब्लम. देन आपको इसी टाइप से कैलकुलेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी. आप ये देखो कॉम्बिनेशन क्या है, दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज में चार्ज सेम रहेगा तो मुझे जस्ट क्या होता है कि ये वाला फार्मूला पता है, क्यू इक्वल टू सीवी. दो पैरामीटर पता होने चाहिए. तो मुझे यहां पे देखो कैपेसिटेंस पता थी, अगर मैं चार्ज पता कर लूंगा, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम रहता है, चार्ज अगर मैं पता कर लूंगा तो उससे वी आ जाएगा. क्लियर स्टूडेंट्स? एनी डाउट? अब स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ये. इस सर्किट में हमने क्या करना है, ए और बी पॉइंट के बीच में फाइंड आउट करना है टोटल कैपेसिटेंस.
क्लियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें इस सर्किट को एनालाइज करना होगा कि इसमें कौन से कैपेसिटर सीरीज में, कौन से पैरेलल में आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। और स्टूडेंट जितने भी मैंने न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं सभी सीबीएसई एग्जाम में आए हुए हैं और सीबीएसई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपके पास ये अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो गिवन है वो ये है, ये कैपेसिटर्स आपको गिवन है, आपने जस्ट ये चेक करना है जहां पे चार्ज सेम रहेगा वो सीरीज में, जहां पे डिवाइड हो गया वो पैरेलल में। अब देखिए ए है ये बी है, अगर चार्ज यहां से मूव करना स्टार्ट करता है लाइक जैसे करंट जैसा सिचुएशन मान लेते हैं कि यहां से अगर मूव करता होगा तो यहां से डिवाइड हो गया बट यहां से सेम ही चलेगा, ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, यहां से सेम ही चलेगा। तो मतलब ये वाले टोटल कॉम्बिनेशन का इसका मैं टोटल कैपेसिटेंस पता कर लूंगा कितना है। अब ये वाला इसके साथ पैरेलल में है क्योंकि देखो साफ साफ पता चल रहा है ये वाला और ये वाला, ये दोनों तो पैरेलल में है, आप इजिली कैलकुलेट कर लोगे। और ये वाला जो मेरे पास आएगा ये और ये तीनों क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। जो मेरे पास ये टोटल आएगा ओवरऑल दिस वन, ये इसके साथ क्या होगा, सीरीज में होगा। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले इन तीनों का पता कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास क्या है, सीरीज में। तो आपके पास क्या होगा, 1 अपॉन सी एस इक्वल टू 1 अपॉन 16 प्लस 1 अपॉन 16 प्लस 1 अपॉन 16, तो आपके पास क्या आएगा 3/16, तो यहां पे कितना हो गया 1/20। तो सी एस का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 20 माइक्रो फेरेड, तो मतलब इस पार्ट का 20 आ गया। अब ये 10 है, ये 10 है, ये दोनों पैरेलल में है, ये 20 है, तो ये जो टोटल स्टूडेंट हमारे पास 20 आया है, ये 20, ये 10 और ये 10 तीनों क्या हैं, पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या आ जाएगा, सिंपल एडिशन, मतलब 10 + 10 + 20, ये 10, ये 10 और ये 20, तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा 40 माइक्रोफेरेड, तो ये आ गया। अब ये जो मेरे पास टोटल आया है दिस वन, ये इसके साथ कैसे है, सीरीज में अटैच है, तो सीरीज में क्या होगा 1 अपॉन सी एस इक्वल टू ये 40 है और ये 40 आ गया, तो मतलब क्या है 1 अपॉन 40 + 1 अपॉन 40, तो आपके पास क्या आ गया 2/40, तो कितना आ गया 1 अपॉन 20, तो सी एस का वैल्यू कितना आएगा 20 माइक्रोफेरेड, ये हमारे पास 20 माइक्रोफेरेड आ गया। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट इसमें जो हमने एक चीज ध्यान देनी है कि यहां पे आपके पास जैसे मैं लिखता हूं ना 1 अपॉन सी एस, कि एक ना बहुत कॉमन सी मिस्टेक है जब भी आप सीरीज का करते हो 1 अपॉन C1 + 1 अपॉन C2, आपका न्यूमेरिकल सारा सही होता है बट प्रॉब्लम क्या होती है कि 1 अपॉन सी एस आपको पता है कि इस टाइप से यूज करना है बट कई बार आप फार्मूला डायरेक्ट यूज कर ले तो जल्दी जल्दी में ये तो गलत हो जाता है, तो आपने ऐसे नहीं इसको इस टाइप से याद रखना है कि आपने इसको इस टाइप से डालना है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहां पे कह सकता हूं ए और बी पॉइंट के बीच में मेरे पास नेट कैपेसिटेंस क्या होगी 20 माइक्रोफेरेड, ये तीनों सीरीज में थे, ये और ये और ये पैरेलल में हो गए, जो इसके साथ टोटल आया वो इसके साथ सीरीज, इस टाइप से कर सकते हैं। तो हम यहां पे ये भी लिख सकते हैं सी ए बी, मतलब ए और बी पॉइंट के बीच में कितना आया कैपेसिटेंस 20 माइक्रो फैरेड। क्लियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स बिफोर आई स्टार्ट विद नेक्स्ट न्यूमेरिकल वी हैव टू डू द प्रैक्टिस सच टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल्स, मींस आपने क्या करना है, आपके पास बुक्स अवेलेबल होंगी, असाइनमेंट्स अवेलेबल होंगी या मैं भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूं असाइनमेंट्स, देन वो जो असाइनमेंट्स की अगर आप प्रैक्टिसेस करोगे देन यू कैन डू वेरी वेल, क्योंकि प्रैक्टिसेस से ही ये आपके न्यूमेरिकल परफेक्ट होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं, हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, ये नेटवर्क गिवन है और हमने क्या करना है, यहाँ पे कैपेसिटेंसेस के वैल्यू गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। पहले तो हमने क्या करना था,
वोल्टेज कैलकुलेट करनी थी, अब हमने क्या करना है, चार्ज कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है कि वोल्टेज यहां लगी हुई है, क्लियर। तो इसे मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि मींस इसके क्रॉस बैटरी कनेक्टेड है 500 वोल्ट की, क्लियर स्टूडेंट्स। तो मींस यहां से जब चार्ज गया तो यहां पे तो वो चार्ज सेम चलेगा, अगर वो चार्ज यहां पे सेम चलेगा ये तीनों तो क्या होंगे, सीरीज में, और ये इसके साथ क्या होगा, पैरेलल में होगा। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास सीरीज में क्या है, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो मेरे पास क्या आएगा, 1/15, क्योंकि हर एक की वैल्यू कितनी है, 15 है, प्लस 1/15 प्लस 1/15, तो मेरे पास यहां पे कितना आ जाएगा, 3/15, क्लियर। तो ये कितना हो गया, 1/5। तो CS कितना आ गया मेरे पास, 5 माइक्रो फैरड, क्लियर। अब ये जो है वो इसके साथ क्या है, पैरेलल में है। तो इसका मतलब क्या है, पैरेलल में टोटल कितना बनेगा, Cp इक्वल टू ये जो 5 आया हुआ है प्लस एक ये C4, तो C4 कितना है, 15। तो टोटल कितना हो गया, 20 माइक्रो फैरड, मतलब इस टोटल का वैल्यू इसके साथ ऐड हो जाएगा पैरेलल में। तो हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी, 20 माइक्रो फैरेड। अब ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। सबसे पहले देखिए, आपने हर एक कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है, बट चार्ज सीरीज में क्या रहता है, सेम रहता है। अब ये तीनों तो सीरीज में है ना, तो इसका मतलब अगर मैं एक का भी चार्ज निकालता हूं वही क्या होगा, तीनों के क्रॉस चार्ज होगा। अब आपको पता है पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है, पोटेंशियल। 500 वोल्ट का पोटेंशियल गिवन है, अगर 500 वोल्ट का पोटेंशियल गिवन है तो इसके क्रॉस कितना होगा, 500 होगा, और इस टोटल के क्रॉस भी कितना होगा, 500 ही होगा। मतलब यहां पे आपके पास 500 है और यहां पे भी आपके पास क्या होगा, 500 होगा टोटल के क्रॉस। तो यहां पे तो आपको पोटेंशियल भी पता है, कैपेसिटेंस भी पता है, तो मींस चार्ज अक्रॉस C4, C4 के क्रॉस चार्ज आपके पास क्या होगा, Q इक्वल टू Cv। तो मतलब यहां पे C4 और V पोटेंशियल, C4 कितना गिवन है, 15, और यहां पे पोटेंशियल कितना है, 500, और ये माइक्रो में था तो माइक्रो में मैं इसको जस्ट ऐसे लिख लेता हूं, 15 × 10⁻⁶। आप कंफ्यूज ना होना, क्योंकि C4 का वैल्यू यहां पे बेटा हमारे पास कितना गिवन है, 15 माइक्रो फैरेड, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, 15 × 5 = 75 × 10⁻⁴ कूलम, मतलब इसके क्रॉस चार्ज कितना है, 75 × 10⁻⁴। अब मैं टोटल के क्रॉस पता कर लेता हूं, इस पार्ट की टोटल कैपेसिटेंस कितनी है स्टूडेंट्स, हमारे पास 5 माइक्रो फैरेड आई थी इसकी, तो इस पार्ट की मुझे टोटल कैपेसिटेंस भी पता है और इस पार्ट का मुझे टोटल पोटेंशियल भी पता है। तो उससे क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा। तो मतलब आपके पास क्या होगा, टोटल चार्ज अक्रॉस कॉम्बिनेशन ऑफ C1, C2 एंड C3। तो इस पे हमारे पास कैसे आएगा, ये सीरीज का था टोटल कॉम्बिनेशन और इसके क्रॉस पोटेंशियल। कैपेसिटेंस कितनी थी टोटल, 5 माइक्रो फैरेड, और पोटेंशियल टोटल इसके क्रॉस कितना है, 500, क्लियर। तो यहां पे कितना आ गया, 25 × 10⁻⁴ कूलम, तो ये टोटल चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज सीरीज में क्या रहता है, सेम। तो मतलब क्या है, टोटल चार्ज आया है ये, तो C1 के क्रॉस भी क्या रहेगा, यही वाला, इसके क्रॉस भी क्या रहेगा, यही वाला, और इसके क्रॉस भी क्या रहेगा, यही वाला। तो मतलब क्या होगा, चार्ज अगर मैं C1 के लिए मानता हूं, चार्ज अगर मैं C2 के लिए मानता हूं, चार्ज अगर मैं C3 के लिए लेता हूं, तो तीनों का क्या होगा, 25 × 10⁻⁴ कूलम।
क्लियर स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हो चार्ज। पहले में हमने चार्ज कैलकुलेट किया, सॉरी पहले हमने वोल्टेज कैलकुलेट करी थी, इससे पहले न्यूमेरिकल्स जितने किए थे, अब हमने क्या फाइंड आउट किया, चार्ज। क्लियर स्टूडेंट्स, आई थिंक इससे आपके काफी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर?